अचानक ये बैठक में? नहीं, ये बैठक खास तौर पर कोरोना के संकट को देखते हुए जो आपदा प्रबंधन का जो समूह है उसकी अभी ये बैठक थी, और इस बैठक में खास तौर पर कोरोना के संकट से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए कटनी के प्रशासन ने जो बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ने की जो दर है उसको देखते हुए आगामी समय में हमको किन बातों की ज़रूरत है, आज जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको लेकर के, जैसे ऑक्सीजन का इशू है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके बारे में है, उसके बारे में कल भी मैंने संदेश आप लोगों को दिया था। मैंने हेल्थ सेक्रेटरी और कमिश्नर हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री सबसे बात की थी कि यहाँ के लिए जो ज़रूरत है तो उसकी उपलब्धता भी कल भी हुई है और आज भी हुई है। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है पूरे देश के अंदर, नहीं पूरे दुनिया के अंदर, कि एकदम मरीजों की संख्या पॉजिटिव लोग बहुत हो रहे हैं, संक्रमण लगातार फैल रहा है, तो उसके कारण से इस आपदा में कहीं ना कहीं सबको इस बात के लिए जागरूक होने की भी ज़रूरत है और नागरिक इस बात को लेकर के जागरूक भी हो रहे हैं। प्रशासन भी जितनी हर संभव चीज़ें जो हो सकती है वो करने का प्रयास भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। इसलिए ऑक्सीजन की उपलब्धता जैसे महाराष्ट्र से बंद हो गई, छत्तीसगढ़ से मिलती थी, वहाँ बंद को वहाँ भी संकट हो रहे हैं। तो इसलिए जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हैं पहले से हमारे सरकार के अनुबंध हैं तो वो अनुबंध पूरे हों, प्रयास लगातार इसको लेकर के चल रहे हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इंजेक्शन की उपलब्धता भी अब बढ़ी है, उसको और अभी यहाँ पर हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधि हमारे, कलेक्टर, बाकी प्रशासन के सभी लोगों ने मिलकर के तय किया है कि अभी आज भी हम लोग फिर बात करेंगे और यहाँ जो ज़रूरत है उसके अनुपात में इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध हों और ऑक्सीजन की भी तैयारी जो लोग सप्लाई करते हैं पहले से जिनके कॉन्टैक्ट हैं वो सारी बातों पर भी इस प्रबंधन के समूह ने इस पर चर्चा की है। मैं कटनी के सभी नागरिकों से, प्रबुद्ध लोगों से जरूर अपील करना चाहता हूँ कि ये संकट प्रकृतिजन्य संकट है, इसलिए इसमें सबकी मदद, सबका सहयोग और कहीं ना कहीं सबका अवेयरनेस की जो ज़रूरत है कि हम इससे बचने के लिए एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हों, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन का जो इशू लिया है उसको हम पालन ठीक से करें। परेशानियां हो सकती हैं लेकिन परेशानियों से ज़्यादा अपना ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जरा सी गलती के कारण से अगर प्रभावित हो जाते हैं तो एक ज़िंदगी जाती है जो आसान नहीं है। इसलिए सबको इसके बारे में अवेयरनेस लाना और शासन प्रशासन को भी मदद इस बात के लिए करना कि अगर कोई परेशानी हो रही है तो एकदम चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए कोई चीज़ की कमी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें एकदम पूरी हो सकती हैं, होती हैं, कमियां भी आती हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। मैं अभी चुनाव में था, मुझे जैसी जानकारी मिली मैं तत्काल यहाँ आया, अभी मैं यहाँ से पन्ना जाऊँगा, खजुराहो में भी लोगों से बात करेंगे। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन का तंत्र इस काम में लगा है, तो जनता के बीच भी इस बात की अवेयरनेस लाना, मोहल्ले मोहल्ले में हमको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करना है लोगों। मैं भी दमोह के अंदर देख रहा था कि एक गांव ने पूरा लॉकडाउन कर दिया, खुद सब ने मिलकर के तय किया नहीं, हम ना बाहर के इस प्रकार के कोई लोग आएंगे, जो ज़रूरत होगी तो हमारे लोग जो ऐसे हैं जो नौजवान नेगेटिव हैं, किसी प्रकार का इम्पेक्ट नहीं है, उनके माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने अपने से तय किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको समाज में इस विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए, बहुत बड़ा संकट है, इससे निपटने के लिए जनता की अवेयरनेस बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो संभव हो सकता है सभी लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस सबको जो लाने की ज़रूरत है जिससे हम बच सकें, हमारी ज़िंदगी बच सके, हम लोगों को बचा सकें, ये प्रयास सबको मिलजुल कर करना, यही मैं एक अपील सभी अपने कटनी के सभी नागरिकों से करना चाहता हूँ। कटनी की स्थिति को देखते हुए क्या जो कोरोना कर्फ्यू है वो आगे बढ़ा?